जीवन की हर एक मोड़ पे रोहित जी, आपको अपना निर्णय बदलना होगा। सभा को साक्षी मानकर और अपने कान्हा को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा लेती हूं कि 24 घंटे के अंदर मैं उन मूर्तियों को मंदिर में वापस स्थापित करवाऊंगी। अगर मैं ये नहीं कर पाई, इनको तो केवल राधिका से मतलब है। मिल रही है ना राधिका उनको, हो रही है ना शादी, सब कुछ ही ब्याह की वजह से तो हो रहा है। अगर बाबूजी को किसी ने मूर्ति स्थापित करने के लिए पैसे दिए, इसका मतलब वो वृंदावन का कोई अमीर आदमी होना चाहिए। चौक के उस पार सब बड़ी बड़ी कोठियां अमीरों की है, शायद उनमें से कोई घर हो सकता है। कैसे पता करें? बाबूजी, ते बहु आप? बाबूजी, कृपया करके बताइए ना, वो मूर्तियां कहाँ हैं? नहीं बेटा, एक बार पुण्य दान करके उसे वापस लेना अधर्म होता है। एवं बाबूजी, आपने जो किया वो आपका कर्म, हम हमारा कर्म निभाना चाहते हैं। हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो मूर्ति कहाँ है, हम उन्हें जाकर समझाएंगे। मुझे गर्व है तुम दोनों अपना कर्म निभा रहे, परंतु मुझे तो अपना संकल्प पूर्ण करना ही होगा। राधिका, हमारे लिए एक एक पल कीमती है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जानती हूं ये समय आपके लिए भी उतना ही कठिन है जितना कि मेरे लिए, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो फिर कोई भी बात मुश्किल नहीं। अब रोके का होवे गो बहुरिया, अब रोवे से का होवे गो। रे रोना तो दिन चाहिए था जब लल्ला ने मुर विशाखा से ज्यादा मन उसको लाल लड़ायो, सब हुई बात का पाप भुगत रहे हम सब। वो मन उस खा गई, हम सब की खुशियों को खा गई वो मनुष्य। बड़ी जल्दी आ गए हो लल्ला, थोड़े जाप और कर ले तो, थोड़ा पुण्य और दे दे तो काय उन लोग खुश होके तो झोली में 4 पैसा और डाल देते। तो तोरी लाडली का ब्याह में 1 झालर और लग जाती। सामान बांधना आरंभ कीजिए, देख कीजिए
कल अपरानी हमें वृंदावन छोड़कर निकलना है। क्या पता जी, राधिका मंदिर में मूर्तियां दोबारा से स्थापित कर दे। राधिका को ज्ञात नहीं है कि मूर्ति कहां स्थापित है। और ये बताना मेरे संकल्प के विरुद्ध है। अब तक हम 30 घर ढूंढ चुके हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला। देखते देखते शाम भी हो गई है। अगर हम कल सुबह तक। नहीं राधिका, ऐसा सोचना भी मत। आज तक तो तुम मुझे हिम्मत देती आई थी ना, अब तुम खुद ही ऐसा कह रही हो। राधिका, हम साथ हैं। कान्हा हमारे साथ है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आए। वो मूर्तियां रखने के लिए घर में मंदिर की वेदी होना जरूरी है। अगर हम मकान बनाने वाले मजदूरों से पूछे कि उन्होंने किस किस घर में ये वेदी बनाई है, तो शायद कुछ हो सकता है। तुम ठीक कह रही हो राधिका। एक काम करो, रात होने वाली है, तुम घर जाओ। मैं उनके मोहल्ले में जाके पूछताछ करता हूँ, जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं घर आ जाऊंगा। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं राधिका, तुम घर जाओ, मैं हूं ना। ठीक है। गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे। देवकी जी, केवल आवश्यक वस्तुएं ही रखें, अन्य वस्तुओं को ले जाना व्यर्थ ही होगा। बाबूजी। बेटा, तुम भी शीघ्रता से अपना सामान बांधना आराम करो। मैंने ये मंदिर की मूर्तियों के लिए कुछ वस्त्र बनाए थे, आप संभाल लीजिए। ये तो मंदिर की मूर्तियों के वस्त्र हैं, उन्हें ही अर्पण होना चाहिए। मैं अभी जाकर भगवान को चढ़ा कर आता हूं। प्रातः पता नहीं समय मिले अथवा नहीं। राधे राधे भैया,
भैया तनिक द्वार खोल दो, भगवान को ये वस्त्र चढ़ाने हैं। नहीं नहीं, मुंशी जी ने दरवाजा बंद करने कहा है, वो कहेंगे तभी खुलेगा। भैया हम कल प्रातः ही वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं, यदि भगवान को ये वस्त्र नहीं चढ़ाए गए तो दोष लगेगा। लेकिन शास्त्री जी अब खोल भी दे भाई, और वैसे भी शास्त्री जी तो रोज यहाँ पूजा के लिए आते हैं, और रही बात लड़की की तो मुंशी जी ने इनकी बेटी से सावधान रहने के लिए कहा है, इन्हें जाने देते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मुझसे या मेरे परिवार से आपकी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करना। कल प्रातः मैं वृंदावन छोड़कर जा रहा, परंतु प्रभु आपके जाप के लिए मैं प्रतिदिन आऊंगा। भगवान ये वस्त्र मेरी बेटी राधिका ने स्वयं अपने हाथों से बनाए, इन्हें स्वीकार करना प्रभु। मेरी पुत्री आपकी सबसे बड़ी भक्त है, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। धन्यवाद भैया। मुझे पता था काना कि आप मुझे जरूर मिल जाएंगे। मिस कॉल।
हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? फोन तुमने किया ना, तुम बताओ कौन बोल रहे हो? देखिए, मुझे इस नंबर से फोन आया था, इसलिए मैं वापस फोन कर रहा हूँ। इस नंबर से फोन आया था? पर तो यही है। और साहब, आप बोल कौन रहे हो? देव राज पुरोहित। देखो भैया, तुम्हारा नाम देव हो या राज पुरोहित, उससे मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन इस घर से ये फोन नहीं किया है, क्योंकि ये घर खाली और यहाँ कोई नहीं है, समझे? जी ठीक है, आई एम सॉरी। फोन बाहर ही ले लेते। शास्त्री जी ने अपना संकल्प तोड़ ही दिया। कृपया करके आप मेरे बाबूजी पर इल्जाम ना लगाएं। बाबूजी ने मुझे यहाँ नहीं भेजा, मैं बाबूजी के लिए यहाँ आई। मैं भगवान की मूर्तियों को उनके सही स्थान पर वापस ले जाने के लिए आई। तुम्हारी आवाज से निश्चय की झलक अवश्य दिखाई दे रही है, किंतु मेरा भी हट कुछ कम नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये पुण्य खरीदा है, और दो ही दिन में हमारे छोटे मालिक को इससे फायदा भी हुआ है। अब ये मूर्ति यहाँ से नहीं हटेगी। आप ये जो कुछ भी मेरे बाबूजी से करवा रहे हैं वो गलत है, और इस गलती को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप मुझे ये मूर्तियाँ ले जाने दें। नहीं, मैंने भी कुछ गलत नहीं किया। मैंने जो कुछ किया अपने छोटे मालिक तक्ष बाबू के लिए किया, और अपना फर्ज समझ के किया, धर्म समझ के किया। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है जैसे मैंने शास्त्री जी के सर पर बंदूक तान रखी थी। अरे वो खुद यहां आए थे और अपनी मर्जी से ये सब कुछ करने को तैयार हुए। हाँ, हुए थे वो तैयार, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। लेकिन आप ये जान लीजिए, एक मजबूर बाप की मजबूरी का फायदा उठाकर आप पुण्य नहीं खरीद सकते। पुण्य कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। अगर आपको पुण्य ही चाहिए तो उस मजबूर बाप की दुआ लीजिए। अगर पुण्य का इस तरह से सौदा होता रहा तो लोग पुण्य करना बंद कर देंगे, पाप करेंगे और अंत में पुण्य खरीदेंगे। आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये मूर्तियाँ वापस लौटा दीजिए। जो चीज हो नहीं सकती उसके लिए बार बार मिन्नत क्यों कर रही हो? देखिए बाबूजी, ही नहीं हम सब आपके मालिक के लिए पूजा करेंगे, उन्हें बहुत तरक्की मिलेगी, खूब नाम होगा उनका। पर आज मुझे ये मूर्तियाँ ले जाने दीजिए। 100 बार कह चुका हूँ, नहीं नहीं नहीं, तुम ये मूर्ति नहीं ले जा सकती। मूर्तियां तो मैं वापस ले जाकर रहूंगी, आपको मेरी बात माननी होगी। आपने इस घर के लिए, अपने मालिक के लिए पुण्य खरीदा था ना? अगर आपने मुझे वो मूर्तियां वापस ले जाने नहीं दी
तो मैं आपको पाप का भागी बनाऊंगी। पुण्य खरीदने आए थे ना, पाप लेकर जाएंगे। गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, केशव माधव राधे राधे, गिरधर नागर राधे। मैं एक ब्राह्मण की पाली हुई कन्या हूँ और एक कान्हा भक्त हूँ। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो एक भक्त का यहाँ खून होगा और उसका पाप इस घर को लगेगा और आपके मालिक के सर लगेगा।